सो हे गाइस, क्या हाल? होप सो बढ़िया, और मैं भी मस्त हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में अनसीन द नेचर। और आप सोच रहे होंगे ये कहाँ भटक रहा है यार जंगलों में, तो सही बताना, मैं जंगल में आ रखा हूँ अभी। अनसीन द नेचर आपको ऐसी जी जगह दिखाता है कि जैसे मैं जिस जगह पे जाता हूँ ना, तो उस एरिया की वो पॉपुलर जगह रहती है, बट वो बाहर के लोगों से अभी अनएक्सप्लोर है। तो मैं वो उस चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, तो अभी आपका सपोर्ट रहता है, मैं आगे भी एक्सप्लोर करूँगा। बट जो ये वाली वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो नहीं ट्रैवलिंग की, नहीं कैंपिंग की। अभी मैं घर पर बैठा हुआ था, तो दादा ने बताया कि उनके समय पे जो ये प्राकृतिक की चीज़ें हैं ना, उनका उपयोग कैसे किया जाता था। हालांकि आज की, मुझे भी नहीं पता था, आज की जनरेशन को नहीं पता कि प्राकृतिक जो देता है ना भाई साहब, बहुत हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो अभी मैं बताऊंगा अभी घर जाके। तो मैं घर पहुंच चुका हूं, और यहां से मैं उठाऊंगा दो लठ। ये देखो, ये वाला लठ, पता है किसी किस चीज़ के लठ है? ये देखो, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ये किस चीज़ के लट है, ठीक है? वैसे कमेंट करके बता दो अगर किसी को पता है। तो गाइस, ये डंडी दिख रही है ना आपको, जो मैं लाया था, इन्हें बोलते हैं बिगुल। तो इन्हें बारीक तरीके से कूटना है। तो गाइस, ये दूसरी जो बंदा था, इसको भी फोड़ दिया ढंग से। जो इसका छिलका है ना, इसे अलग करना है। इसके जो ये सख्त वाला ना, मतलब सख्त लकड़ी से इसके छिलके को अलग करना है। ये डुबो दिया, इसका कोई काम नहीं, ये सुखा के इसका जलाने का काम जाता है ये। तो गाइस, ये हो चुका है, और मैंने बाहर के जो शर्ट था वो भी उतार दिया, और अब इसे बालों पे अप्लाई करना है। मीन्स इसको कहते हैं बिमल, जो भी मैंने इसको अभी मैंने बारीक तरह से कूटा था, तो अभी मैं बालों पे अप्लाई करना है। मीन्स इसे कहते हैं, इससे बोलते हैं कि बाल एकदम सिल्के रहते हैं, बाल झड़ते नहीं, और जो डैंड्रफ रहते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बालों में मेरे बहुत सारे डैंड्रफ है और झड़ भी रहे हैं, तो इसे अप्लाई करता हूँ मैं। गाइस, ये देखो, इसमें जो चिपचिपा पदार्थ है ना, ये लगना चाहिए बालों पे। ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ये देखो, ये निकल रहा है। जो कुछ इस तरीके से और भिगाओ, जितना भिगाओगे उतना ये झाग छोड़ेगा। ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, कुछ इस तरीके से छोड़ रहा है झाग, चिपचिपा लिक्विड। जिन्हें पता नहीं है वो इसको ना थोड़ा घिनौना टाइप का मान रहे होंगे, बट यार जिन्हें पता है ना इसके फायदे, उन्हें वो कमेंट करके बताना। ये देखो, पूरे बाल अब ऐसे हो गए जैसे जल लगा ले होगा बालों। ओ भाई साहब, ये देखो, तो भाई साहब, ये भी मुझे मतलब हम बैठ रखे थे अभी, तो दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे करते थे हम पहले, जब यार जब पहले शैम्पू साबुन नहीं होते थे या अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो ये शैम्पू का काम करता था। इसे आप पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो ये इतना लग गया बालों पे, कानो खूब नहीं हो गया अभी? देखो लो लो, अजो वन भी करते हैं, खूब बनी भी करने होगा, देखो कौन बाल दी भी ऊपर करने होगा। ओके, बाल तो दी भी बाल, तो ऊपर से मुझे अभी दादी बता रही है कि अभी तुम्हें से खूब तरीके से अप्लाई नहीं किया, किया ही नहीं कभी, तो कैसे पता होगा। तो कुछ यार पता है, पहाड़ों जंगलों में कुछ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती है ना, बोलते ना कि आप जंगल में हो तो अगर आपको पता हो ना, आप भूखे नहीं रह सकते।
ऐसे कुछ है। प्राकृति हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती है, बट हमें पता हो या उपयोग करते हैं ना तब हमारे लिए फ़ायदा होता है, जब पता ही नहीं तो क्या फ़ायदा है नहीं। तो अभी ये देखो, जो बच्चा का इसे मैं पूरी बॉडी में अप्लाई करूँगा, तो अभी जो रिजल्ट मिलेगा वो बाद में बताऊँगा। मुझे लग रहे हैं यार काले बाल। तो गाइस ये देखो भाई, बाल एकदम सिल्की हो गए सही में। और एकदम साइन में मर रहे ब्लैक में, देख रहे हो। तो भाई साहब, प्राकृतिक हमें बहुत कुछ देती है, अगर हम उसका सही उपयोग करें ना तो भाई ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। तो इस वीडियो करता हूँ मैं ये बैंड, और आगे कुछ जानकारी ऐसे टिप्स लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।